श्रीकाल दोस्तों, असं अज पहुंचेंगे बठिंडा दे विच जो स्थित किला दे विच, किला मुबारक दे विच अंदर जो गुरुद्वारा साहब सजोवत है जिसका नाम है किला मुबारक गुरुद्वारा साहब। असं उन्होंने तुहानू दर्शन भी करावांगे ते दसांगे उस गुरुद्वारा साहब का इतिहास। चलो दो चलो दोस्तों, आप गुरुद्वारा साहब के अंदर पहुंच दोस्तों, ये स्थान इतिहासक पक्षों काफ़ी महत्ता रखता है। इस जगह नूं तीन गुरु साहिबाना की चरण छो प्राप्त है। इस पवित्र धरती के उत्ते पहले पातशाह गुरु नानक देव जी 1515 ईस्वी के आए, नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी 1665 ईस्वी के इस जगह पर आए, 1705 ईस्वी के गुरु गोबिंद सिंह जी इस जगह के उपर आए। दोस्तों, कहा जाता है कि जदों गुरु नानक देव जी 1515 ईस्वी के अपनी पहली उदासी के समय इस जगह उपर आए, उस समय इस जगह पर एक हाजी रतन नाम का पीर रहिंदा सी। उस पीर ने ईरखा दे विच गुरु जी वाले एक पत्थर सुट्टिया, पर गुरु जी दे चमत्कार दे सदका वह पत्थर वापस हाजी रतन नूं आण लगा। हाजी रतन बेहोश हो गया। उस तो बाद जब उसनू होश आई तो उसने गुरु जी तो माफ़ी मंगी। गुरु जी जांदी वार कह के गए सी कि इस जगह ते असीं दोबारे वापस आवांगे। 1665 ईस्वी दे विच गुरु तेग बहादुर जी इस जगह ते आए। दोस्तों, इस गुरद्वारा साहब का निर्माण 1835 ईस्वी दे विच पटियाला दे राजा महाराजा करम सिंह ने करवाया सी। इस किले दे विच दो गुरद्वारा साहब हैं, एक गुरद्वारा साहब जो कि किले दे विचकार स्थित है, एक गुरद्वारा जो कि गुरु गोबिंद सिंह की याद विच महाराजा पटियाले ने बनवाया सी। हुण तुहानूं असीं दर्शन करावांगे उस गुरद्वारा साहब की इमारत जो किले के उपर बनया होया है। तुहानूं दर्शन करावांगे गुरु गोबिंद सिंह की याद विच इह सजोत गुरद्वारा साहब दे। 21 जून 1705 नूं गुरु गोबिंद सिंह जी इस जगह ते पहुंचे। ओह भागू साहब, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पुचो तो भागू दे रास्ते हुंदे होए जदों बठिंडे पहुंचे, ओह हाजी रतन नूं मिले। बठिंडे दीआं संगतां नूं पता लग्गिआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी आए हुए ने। संगतां ने गुरु साहब अगे बेनती की कि वह किले दे विच आउण। संगतां दे कहण दे उपर गुरु साहब जी किले दे विच गए। उत्थे जा के लोकां दीआं समस्यावां पुछियां तां लोकां ने दस्सिया कि उत्थे इक काणा दिओ दा नाम दा इक राक्षस रहिंदा सी जो कि लोकां नूं बहुत तंग परेशान करदा सी, लोकां दे घर ढा दिंदा सी। गुरु साहब जी ने उस राक्षस नूं पुछिया। उस राक्षस ने कहा, गुरु साहब जी मैनू भुख बहुत लगती है, मेरी भुख नूं मिटाओ। तां गुरु साहब जी ने अपनी अंतर दृष्टा नाल देखिया कि बठिंडे दे विच एक पिंड पैंदा नत्त बगेर जो कि तलवंडी साबो तो तकरीबन 10 किलोमीटर ते बठिंडे तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित है। उस पिंड दे विच 10 पिंडां दा एक सांझा झोटा रहिंदा सी। गुरु साहब जी ने अपने सिंघां नूं उस झोटे नूं लैण लई भेजिया। जदों गुरु साहब जी दे सिंघ उस पिंड विच पहुँचे ते उत्थों दे लोकां नूं पुछिया तां लोकां ने सहजे मजाक विच कह दिता कि उह छप्पड़ दे विच बैठा है। छप्पड़ दे विच बैठे झोटे नूं गुरु साहब जी दे एक सिंघ जिसका नाम सी मलागर सिंह, उसने आवाज़ मारी कि तैनू गुरु साहब ने बुलाया है। तां झोटा पानी तो बाहर आ के गुरु साहब जी दे भेजे हुए सिंघां दे अगे अगे तुर पिया। बठिंडा पहुँचन ते गुरु साहब जी ने उस भाई मलागर सिंह नूं कहा कि इस दी मुक्ति करनी है, इसका सिर इको ही झटके दे नाल
अलग कर दिता जाए। मलागर सिंह ने उवें ही किया, झोटे का सिर एक ही झटके दे विच उतार दिता। गुरु जी ने उस झोटे नूं भी मुक्ति दिती अते काणे दिओ दी भुख नूं भी मिटाया। अते उस राक्षस नूं गुरु साहिब जी ने आदेश दिता कि तू सरहंद चला जा, उत्थे तेरी जरूरत है। जदों गुरु साहिब जी जाण लगे उस समय संगतां ने कहा कि गुरु जी इत्थे काल बहुत पैंदा है। तां गुरु साहिब जी ने कहा कि दोबारा इस जगह ते कदी काल नहीं आएगा, तो वह काल नूं अपने नाल ही दक्खण वल लै जाणगे। तो दोस्तों वीडियो जो तुहानूं जे चंगी लगे शेयर जरूर करो, लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, असी होर भी इंप्रूव करांगे ते अगली बार तुहानूं किसी होर जगह दे दर्शन करावांगे। थैंक यू।